हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू वैकेंसी दैट हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम आईएमयू, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी। सो मैं पहले से आपको कई बार कह चुका हूँ, जो एजुकेशनल फील्ड है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आईएमयू, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी। तो आज का जो वैकेंसी है वो आईएमयू से रिलेटेड है और ये आईएमयू मुंबई कैंपस से है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो वैकेंसी है ये है फैकल्टी मरीन इंजीनियरिंग, फैकल्टी रेडियो कम्युनिकेशन, फैकल्टी नॉटिकल साइंस, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मरीन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो है हॉस्टल वार्डन के लिए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, ये जो पूरा का पूरा जो वैकेंसी है ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल पे है। तो इसमें शायद आगे जाकर हो सकता है कुछ, या तो एक साल दो साल या फिर जो भी है वो उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइड करता है, शायद हो सकता है आगे जाकर आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाए। तो है तो ये फिलहाल मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी है, मतलब आईएमयू जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये जो है आपका मुंबई पोर्ट कैंपस जो कि LBS में है, और अगर आप लोग मुंबई में LBS में गए रहेंगे तो आपको पता है डॉकयार्ड रोड के पास होता है, स्टेशन के पास। तो यहाँ पे जो है फैकल्टी मरीन इंजीनियरिंग में जो एसेंशियल क्राइटेरिया है, जैसे कि ये है MEO क्लास वन, मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास वन होना चाहिए, और आपको VICT कोर्स होना चाहिए। VICT कोर्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके रिलेटेड एक वीडियो है मेरा, VICT कोर्स ये कहाँ से करते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और इस कोर्स करने का क्या फ़ायदा है और टोटल कोर्स ड्यूरेशन, इसमें खर्चा कितना आता है, ये मैं डिटेल्स उस वीडियो में बताया हूँ। तो चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वैकेंसी जो है फैकल्टी नॉटिकल साइंस, यहाँ पे जो है आपको मास्टर मेरिटेंट होना चाहिए, मतलब आपके पास मास्टर मेट का COC होना चाहिए, और सेम इसके बाद आपको 6 मंथ एक्सपीरियंस हो एज ए कमांड मास्टर पे आप सेल किए रहेंगे, और VICT कोर्स आपको होना चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है फैकल्टी रेडियो कम्युनिकेशन, उसमें जो है एसेंशियल आपको वैलिड GMDSS कोर्स होना चाहिए। जो लोग शिप पे या फिर रेडियो ऑफिसर पे या फिर सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर में भी काम कर चुके हैं उनके पास तो GMDSS वैसे भी होता है, या फिर आपको NWKO COC में भी GMDSS होता है। तो आप कोई भी COC आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और VICT कोर्स होना जरूरी है, जो VICT जो पहले था टोटा कोर्स, TOTA यहाँ पे लिखा गया है, अभी वो VICT कोर्स हो चुका है, और COP यहाँ पे डिजायरेबल पे दिया है, वैलिड COP होना चाहिए नहीं होना चाहिए उससे, होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास GMDSS होना चाहिए, आप भले चाहे क्रू भी रहे, आप COC नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप डेक साइड से कोई एबल बॉडीड सीमैन है तो भी चलेगा, आपके पास GMDSS होना चाहिए, और COP तो आजकल होता ही है AB के पास तो वो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सभी जो पोस्ट है उसके रिलेटेड जो एज क्राइटेरिया है दैट इज अप टू 60-62 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ा सकते हैं आप अगर बिलो 60 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर जो है मरीन इंजीनियरिंग, इसमें आपको जो है आप मतलब नेवी फिटर से रिटायर्ड है तो भी चलेगा, या फिर मोटरमैन से है वो भी तो भी चलेगा, और VICT कोर्स आपके पास होना चाहिए। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे जो है लास्ट डेट जो बताया गया है यहाँ पे 24 फरवरी को था, थोड़ा वीडियो बनाने में मेरा लेट जरूर हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसी जो है
टाइम टू टाइम रिलीज किया जाता है, तो आप जो है अप्लाई करके रखिए, भले चाहे डेट निकल गया है कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई करके रख दीजिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, इसमें जो है वैकेंसी होता रहता है, ठीक है। और तो नेक्स्ट टाइम जब भी फिर उनका खाली रहेगा तो आप लोग को कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें इन लोग का जो साइट यहाँ पे दिया गया है, जैसे ईमेल आईडी है recruitment.mumbaiport@iomu.ac.in, इसमें जाके आप इनका जो डिटेल्स देखिए, यहाँ पे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5 ऐसे जो फॉर्म है, इस फॉर्मेट में आप जो है जो आपके रिलेटेड है, मतलब जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फॉर्मेट को भरिए, और उसके साथ आपका सारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको स्कैन कॉपीज के साथ इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए, ठीक है। और वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आप फैकल्टी, मरीन इंजीनियरिंग फैकल्टी, नॉटिकल या फिर व्हाट्सएप इंस्ट्रक्टर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनका साइट पे जाके बस अप्लाई कर दीजिए, जैसे आप नॉर्मल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वैसे करने में क्या दिक्कत है, तो करके रखिए, कल को हो सकता है आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि मेरा जो है कोशिश है वो यही है कि सीफरर जो है उनके मतलब बियॉन्ड सी उनके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, वो सब तमाम चीजें हम आपके लिए रिसर्च करके लेके आते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।